Born of greatness. This is a new punching word from the Suzuki for this new 2019 Gixxer. बहुत सी नई और noticeable चीज़ आपको देखने मिलेगी इस नए बाइक में. So, let's go for that. Starting from the headlight, तो आपको इसका headlight काफ़ी ज़्यादा attractive लगेगा, जिसका first most reason ये है कि आपको full LED headlamps के setup देखने को मिलेंगे. और सेकेंड मोस्ट थिंग, इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अट्रैक्टिव है, जो एक ग्लैंस में काफ़ी क्लासी और आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके लेवल पे मैच करता हुआ दिखेगा. ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सिल्वर कलर है, और कंपनी के तरफ से जो वर्ड पुटअप किया गया है वो है मेटालिक सोनिक सिल्वर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जस्ट बिकॉज मे बी इसके राइवल में आपको ये कलर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो ये जो स्पोर्ट्स लुक इसमें सिल्वर कलर उभार के आ रहा है वो इसके दूसरे राइवल में आपको नहीं दिखता है. अब इंजन के तरफ आते हैं, तो आपको इसका एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट 154.9 का देखने मिलता है. और इसके इंजन के पावर और टॉर्क के बारे में बात करें, सो इट्स लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज आपको इसका पावर 14.1 PS और 14.0 Nm टॉर्क देखने मिलता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लेसर देन R15, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस बाइक इज रियली गुड. ओवरऑल डिटेलिंग के तरफ अब आए, तो इसका लेंथ 2025 mm है, विड्थ 715 mm और हाइट 1035 mm है. और इसके पूरे ए टू जेड कम्प्लीशन डिज़ाइन से जो टोटल इसका मास या वेट जनरेट हुआ है वो है 146 kg, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर्स का देखने मिलता है. एक छोटी सी नोटिसेबल चीज़ ये भी है कि आपको इसका सीट कुशन कंफर्टेबल मिलता है. होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके ब्लैक और सिल्वर कलर को लेकर जो कन्फ्यूजन है उस पर एक वीडियो डालने वाला हूँ. सो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, सो दैट यू विल बी इन टच. नाउ लेट्स गो फॉर सम मोर वॉक अराउंड.